साथियों, हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए जो कानून बना है। मुश्किल शब्द, लंबी लंबी लाइनें, बड़े बड़े पैराग्राफ, क्लोज सब क्लोज, यानी जाने अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है। हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके। हम भारत के लोगों ने इस संविधान खुद को दिया है, इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा। इसमें आप जैसे पीठासीन अधिकारियों की बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। इसी तरह समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। अभी हमारे माननीय हरिवंश जी ने उसके विषय में अच्छे उदाहरण दिए हमारे सामने। ऐसे कानून जीवन आसान बनाने के बजाय बाधाएं ज्यादा बनाते हैं। बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं, लेकिन क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संविधान की तरह ही पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वतः चलती रहे। अभी कुछ कानूनों में सनसेट क्लॉज की व्यवस्था शुरू की गई है। अब एप्रोप्रिएशन एक्ट और कुछ और दूसरे कानूनों में भी इसका दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। मेरा सुझाव है कि राज्य की विधानसभाओं में भी इस प्रकार की व्यवस्था सोची जा सकती है, ताकि पुराने अनुपयोगी कानूनों को स्टैट्यूट बुक से हटाने के लिए प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स में बचा जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था से कानूनी कंफ्यूजन बहुत कम होगा और सामान्य नागरिकों को भी आसानी होगी।